व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग. अभी बज रहे 9 एंड टुडे इज माय फर्स्ट डे ऑफ ट्राइंग टू रिवैम्प. आई नो एक ही दिन में सब कुछ एकदम बैक टू नॉर्मल नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे होगा एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट. एंड आज है 9th of May एंड आज वैसे भी रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्मदिन है. जो लोग टैगोर बोलते हैं मुझे करेक्ट करने आएंगे, जो लोग बंगाली नहीं है वो लोग बोलेंगे टैगोर है, अंग्रेज़ों ने टैगोर बनाया था, एक्चुअली ही इज़ रविंद्रनाथ ठाकुर. एनी वे, कमिंग बैक टू माई बिजनेस, दैट इज़ आज मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी 4:30-4:30 जो मेरा अलार्म रहता है, बट फिर ख्याल आया आज तो रविंद्र जयंती की छुट्टी है तो फिर लेट्स एंजॉय, क्योंकि कल बहुत थक गई थी. मैं सोचा और थोड़ी देर नींद निपटा लूँ. मैं उठी हूँ करीबन 8 बजे एंड अभी बज रहे 9. प्रश्न हो गई हूँ, ब्रेकफास्ट करना है आज इंटरमीडियंट. अभी जब तक मैं ये काम सारे करूँगी ना, जो भी क्लीनिंग एडिटिंग ये सब का जो नॉर्मल शेड्यूल के बाहर है, तब तक मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग नहीं करना है, बिकॉज आई नो नहीं हो पाता है वो मेरे लिए. एटलीस्ट दो साइड में ध्यान देना, आए क्या हो गया, मुश्किल होता है. ये टेबल भी चला जाएगा ऑफिस स्पेस में, अगर मैं एक जगह है कॉर्नर उधर, वहाँ पे सारे फर्नीचर वैसे नए बन रहे हैं बट वो जगह पे बस ये टेबल चलाया, क्योंकि ये टेबल मेरे कोई काम का नहीं है, मेरे वॉकिंग कंफर्ट के हिसाब से वो टेबल मुझे सूट नहीं करता. मैं थोड़ी लाइक अगर मेरे पास वो एडजस्टेबल हाइट एडजस्टेबल चेयर हो फिर भी सूट कर जाए, बट मेरे हिसाब से वो टेबल थोड़ा ऊँचा पड़ता है तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी. लेट्स सी घर पर कुछ और आएगा कि नहीं, बट वो अभी प्लान में नहीं है. प्लान में इज़ ये सब चला जाएगा. एंड आज के मेरे प्लान में है किचन डीप क्लीनिंग, जो बहुत लेट शुरू होगा बिकॉज अभी तो ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके बाद हमें जाना है ऑफिस स्पेस और वहाँ पे एक्चुअली आज लकड़ी के जो फर्नीचर वगैरह का होगा वो उसका काम शुरू होना है. एंड उसके वजह से हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, हमें सामान वगैरह जो आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा, बेसिकली वेरीफाई थोड़ा सा देख देख के काम करवाना होगा. तो आज मुझे ना बालों में ऑयल लगाना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या समझ रहा है, मैं बालों में ऑयल लगा के जाने वाली, क्योंकि लुक एट माय हेयर, इट हैज़ बीन सो ड्राई. क्योंकि ना मैं स्विमिंग करती हूँ उसी ऐसे प्रॉब्लम ये होता है, क्लोरीन वाटर से बाल बहुत ड्राई होते हैं. एक है कहीं ना कहीं वो पूल के पानी के लिए शायद उतना अच्छा नहीं है, बट अगर आप स्विमिंग कर रहे हो एंड यू नो देयर इज़ हाई अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन वाटर, तो आप पूरे बॉडी में, पूरे हेयर में उतना नहीं बट पूरे बॉडी में आप ऑयल लगा सकते हो, बट ऐसा ऑयल नहीं कि बहुत ज़्यादा वो रिलीज़ करे. ऐसा ऑयल लगाओ जैसे लाइट वेट ऑयल होता है ना, जैसे हो गया आपका आमंड ऑयल, अब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी में, ठीक है. तो वैसा ऑयल लगाओ कि जो बॉडी में आप ऑब्वियसली जाने से पहले कॉस्ट्यूम वगैरह पहनने से पहले आप ऑयल लगाओगे. तो मैं घर से कॉस्ट्यूम पहन के उसके ऊपर नॉर्मल आउटफिट पहन के जाती हूँ और मैं पूरा बॉडी में ऑयल लगा के जाती हूँ, सो दैट पूरा जब तक मैं जा रही हूँ पूल में जाते जाते टाइम लगता है मुझे, तो तब तक पूरा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए एंड मेरा स्किन को डैमेज ना हो. एंड दैट हैज़ बीन वर्किंग रियली फाइन, स्किन लाइट नहीं हुआ है. बट बालों में क्या करती हूँ मैं, हल्का सा सेरम टाइप का ऑयल ही लेती हूँ, तो लाइक आमंड ऑयल हो गया या फिर ऑलिव ऑयल हो गया, तो हल्का सा जैसे सेरम लेते हैं ना 2-4 बूंदे सेरम ही लेके अच्छे से बालों में पूरा जहाँ जहाँ मुझे लगाने का महसूस होता है, लाइक ऑलमोस्ट लेंथ पे, रूट्स पे नहीं, रूट्स को मुझे नहीं करना, लेंथ पे मैं लगा लेती हूँ. हैड माई ब्रेकफास्ट, अभी ये है कच्चा आम का काइंड ऑफ घर पे बना हुआ शरबत है. बहुत ही अजीब सा दिख रही हूँ इस एंगल में. एनी वे, मुझे बालों में ऑयल लगाने का टाइम ना मिला. ये क्या हो रहा है, ये लाइट सा क्यों, एनी वे टाइम ना मिला, बस खाना वाना बना के खा के सनस्क्रीन लगे तैयार हुई, सनस्क्रीन लगाया, सनस्क्रीन लगा के लिपस्टिक लगा के आई एम रेडी टू गो. चल जल्दी चलते हैं उधर में मिस्त्री, उधर में मिस्त्री आगे है और मेरी माता श्री गई हैं लेकिन वो चाबी लेके नहीं गई. Thank you.
मैं आ गई हूँ घर, मैं क्या सारे लोग ही आ गए घर, और अभी बज रहे दो के आसपास ही है समझ लो। और अभी फिर लंच करके, थैंकफुली मम्मी लंच बना रही है, आज मैं नहीं बना रही, बनाने वाली थी बट मम्मी बोली नहीं नहीं तू रेस्ट कर ले, मैं बनाती हूँ माइज माँ। एनीवे अभी फिर से जाना पड़ेगा चांदनी चौक, क्योंकि कुछ सामान खरीदना है, ये मिस्त्री लोगों ने बोला है, और वो लोग नहीं मंगा पाएगा तो हम लोग, और हम लोग जाएंगे तो प्राइस भी हमारे हिसाब से ही होगा, वो भी एक बेनिफिट है। तो हमने जाना है चांदनी चौक, तो बहुत है गर्मी बाहर में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता इस गर्मी में मार्केट प्लेसेस जाने का, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा। और अभी नहाना है, आई जस्ट वॉश माई हेयर फॉर श्योर, तेल ना लगा पाऊँ, तेल मुझे लगाने का टाइम नहीं मिला, बट आई वॉश माई हेयर। और आज तो किचन क्लीनिंग तो होगा ही नहीं, यही चीज़ हो रहा है पिछले कुछ महीने से मेरे साथ, मैं जो प्लान कर रही हूँ नहीं हो पा रहा है। मैं किचन क्लीनिंग पिछले एक महीने से प्रॉपर लाइक कुछ ना कुछ करती जा रही हूँ मैं, बट प्रॉपर तरीके से करने का मैं सोच रही हूँ नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ साफ मैं करती जा रही हूँ, वो मेरा एक आदत है, बट वही है। एनीवे मुझे नहा के फिर यही पहनना है, क्योंकि मैं एक दिन में एक ही कपड़ा बर्बाद करती हूँ, फिर ज़्यादा मेरे को ही धोने पड़ेंगे, रहने दो। और ऐसे भी आज ये साफ फ्रेश कपड़ा निकला है तो मैं आज यही पहन के जाऊँगी, लेकिन नहा के, बिकॉज अगर नहीं नहाई तो सर दुखने लग जाएगा इतना धूप में। तो आई कैच यू अप लेटर। आई एम पैक अगेन, तो सनस्क्रीन वगैरह लगा लिया है, नहा के ना बाल मैंने छुड़ाने का टाइम नहीं है, टाइम इन द सेंस उतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर अभी। ये ना वैसे सेट नहीं है, कुर्ती है, दुपट्टा सब अलग है, लेगिंग्स नीचे मैंने ये लाइट ब्लू कलर की ही लेगिंग्स पहनी हुई है। और आई एम थिंकिंग कि मैं अभी चश्मा सन ग्लासेस ऐसे पड़ा हुआ था, मैं सन ग्लासेस ले लूँ बिकॉज बहुत धूप है। बाय द वे आई एम कैरिंग दिस बैग फ्रॉम श्री लेदर, सिंपल है, ईजी है, स्लिंग है, रुमाल इधर है। आई नीड टू चेक माई कार्ड ऑल्सो, मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ तो कैश लेने का कोई ज़रूरत है नहीं। वाले बैग में फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, आई एम कीपिंग माई कार्ड, माई नॉर्मल चश्मा क्योंकि सनग्लास अभी पहन के निकलूँगी, मेरे हेडफोन का डब्बा लाइक हेडफोन भी है इसमें, कीज़ घर के एंड बहुत सारी जगहों की हैं, रुमाल एंड आई नीड टू टेक वाटर पानी, इसको भर लेना, उसको लेकर ट्रैवल करना थोड़ा दिक्कत है, इसका ढक्कन खुल जाता है, बट फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है। All set, let's go. टच वुड स्किन अभी अच्छा जा रहा है, सनस्क्रीन लगा रही हूँ एंड वन सनस्क्रीन मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज़ द वन मैंने एक्चुअली स्विमिंग के लिए परचेज किया था, बट ये इतना अच्छा है, दिस इज़ फ्रॉम लासेंजा, दिस इज़ SPF 50 आई थिंक, हाँ SPF 50 सनस्क्रीन, ये वाटर रेजिस्टेंट है और इसीलिए मैंने स्विमिंग के लिए खरीदा एंड इट इज़ रियली गुड। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। अभी लेट्स गो बाइक। घर चेंज वेंज कर लिया है बट मेकअप अभी, मेकअप तो कुछ है नहीं वैसे, बट वैसे मुंह क्लीन करना सोने से पहले कर लूँगी। और आई वांट टू शो यू समथिंग, मैंने आज एक बैग मंगाया है अमेजोन से, अमेजोन बेसिक्स का ही बैग है, आई नो अमेजोन बेसिक्स के प्रोडक्ट्स ऐसे कुछ सुपीरियर क्वालिटी के होते नहीं हैं, बट इट्स बंगाली में हम लोग एक वर्ड मिक्स करके बोलते हैं लाइक काम चलाओ टाइप का होता है ना, मैं एक्चुअली बंगाली में प्रॉपर वो वर्ड है नहीं है, वो चोलेबल बोलते हैं, जो लोग हमारे एज ग्रुप के हैं तो समझ जाएंगे, मेनली हमारे फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में भी कभी कभार यूज़ करते हैं। बेसिकली बात यह है कि काम चलाओ, काम हो जाएगा, दैट्स इट। तो मैं आपको वो दिखाना चाहती थी एंड वो एक्चुअली मैंने स्विमिंग के लिए मंगाया है,
क्योंकि स्विमिंग मैं जाती थी ये वाला बैग यूज करके, लेट मी शो यू दिस बैग, दिस वन साइडेड स्लिंग बैग, और इसके ये एक्चुअली थोड़ा पुराना भी बैग है, इसके इसके हाल बहुत ख़राब है, तो इसके चेन्स ख़राब हो रहे हैं, चेन तो मैंने चलो ठीक करा देना है, बट इसके ना मतलब ये इतने पुराने हैं, काफ़ी पुराने हैं, इसके अंदर में जो लाइनिंग थी वो ऐसे झुल रही है, मतलब पपड़ी जैसे निकल के बाहर आ रही है, आई वाज लाइक कि नहीं अब तो नहीं होगा, तो इस बैग को मैं रख दूंगी, चेन वेन ठीक करा के मैं रख दूंगी, कभी कहीं पे काम आए, इंडियन हाउस होल्ड यू नो इतना इजीली चीज़ें फेंकते नहीं है, तो यहाँ पे बस अभी मुझे दिस इज़ द बैग जो मैंने अमेजोन बेसिक से लिया है, ये बहुत छोटू सा बैग है, सामने ये एक चेन है और इधर में मेन प्रॉपर बड़ा वाला चेन है, इसमें सारा सामान, एक्चुअली मैं जाते जाते थोड़ा बहुत रख गई थी बट प्रॉपर तरीके से नहीं रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी रखा जाए, इसमें मेरा क्या क्या जाता है, सो इट्स काइंड ऑफ व्हाट्स इन माय स्विमिंग बैग, तो ये वाले जो छोटे पाउच है ना, इसमें मेरा स्विमिंग का आईडी है, कैप है एंड मेरे हेयरबैंड्स है जो मुझे काम आता है सुबह सुबह, और ये इजी एक्सेसिबल होना चाहिए, तो इजी होता है कि आप क्या बोलते हो कभी भी निकाल सको, एंड ये एक्चुअली है मेरा स्किन केयर पाउच, बट इसमें से मैं अपना फेस वॉश बाहर निकाल, अच्छा स्किन केयर पाउच में क्या है वो भी दिखा दूँ, आई हैव अ बॉडी मिस्ट, क्योंकि स्विमिंग के बाद बहुत स्वेटिंग होती है तो उसको थोड़ा सा काम डाउन रहता है, दिस इज़ माई सनस्क्रीन जो लेसन है का मैं बोल रही थी, ये बहुत अच्छा बिलीव मी, मतलब आप देख रहे हो मेरा स्किन डल नहीं हुआ है, मैं धूप पे घूमी हूँ बहुत देर, सो इट्स जस्ट दैट कि आपको टाइम टू टाइम रीअप्लाई करना पड़ेगा, अरे दिस इज द कोम, ये एक अलग किस्म का है, नॉर्मल थोड़ा ऐसा नहीं है, अजीब तरीका है, बट ये अच्छा होता है बालों को सुलझाने के लिए, हालांकि मैं गीले बाल कभी भी ब्रश नहीं करती, बट कभी कभार अगर ज़रूरत महसूस हो तो तब करती हूँ, ये एक मॉइस्चराइज़र है, ये थोड़ा ऑयली है मेरे लिए, और स्विमिंग के बाद ना आके वापस से नहाना ही है, धो देना है, इसलिए मैं इसको ख़त्म करूँ, क्योंकि मैंने ख़रीदा है तो मैं फेंकना नहीं चाहती, पहले तो मुझे ये सूट नहीं कर रहा था बट बाद में थोड़ा बहुत यूज़ करके सूट कर गया, तो इसको बस ख़त्म करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, इट्स जस्ट दैट, एंड आई हैव अ फेस वॉश, गार्नियर का विटामिन सी फेस वॉश, मैं ब्राइटनिंग वगैरह ये सब प्रमोट करती नहीं हूँ, बट द थिंग इज़ ये फेस वॉश का मैंने रिव्यू पढ़ा कि जो इंस्टेंट टैन है ना, जो अभी इंस्टेंट आता है, वो ये बहुत अच्छे से वॉश ऑफ कर देता है, अगर आप उसको बैठा के ना रखो लाइक तुरंत धो दो, तो मुझे वो सन टैन नहीं, स्विमिंग पूल का क्लोरीन वाटर से जो स्किन टैनिंग होती है ना, उसके लिए इसको मैं बॉडी वॉश की तरह भी यूज़ करती हूँ वहाँ पे, वैसे तो अलाउ नहीं है वहाँ पे, बट फेस वॉश आफ्टर लाइक स्विमिंग मैं इसको यूज़ करती हूँ, एंड देन क्या है, देन है मेरा ये लिप बाम तो ज़रूरी है ऑफकोर्स, स्विमिंग करने के बाद एक्चुअली स्किन बहुत हो जाता है ड्राई, तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्किन, एंड इसमें मैं अपना सारा सब कुछ डाल दूंगी, क्या हो गया ढक्कन खुल गया, कोई बात नहीं, ये जाएगा मेरे बैग के अंदर, इस बैग के अंदर और भी चीज़ें हैं, हाउस कीज़ है, मेरे एक क्लिप है जो मैं वापस आते टाइम यूज़ करती हूँ, वॉलेट है, ऑलरेडी मैंने रख दिया था एक्चुअली, वॉलेट है, थोड़े बहुत कैश है, लाइक बाई चांस नॉर्मली तो मैं तो अकेली जाती नहीं हूँ तो मुझे चाहिए नहीं होते हैं, बट अगर कभी ज़रूरत पड़े थोड़े बहुत तो कैश है, और ऐसे मतलब 20-50 रुपए ज़्यादा नहीं, ये मेरे स्विमिंग गॉगल्स हैं, एंड और क्या, और कुछ नहीं, ये चला गया अंदर, ओहो मैंने कोम अंदर नहीं रखा, चलो कोम अच्छा रख देती हूँ इधर, और ये दोनों पैकेट्स मैं रखती हूँ कि स्विमिंग के बाद जो कॉस्ट्यूम होता है वो गीला होता है ऑफकोर्स, तो आप कॉस्ट्यूम पहन के तो आप आ नहीं सकते हो और चेंज कर लेते हैं, और तब उस गीले कपड़े को बाहर कहीं रखना होता है, पैकेट में करके मैं रखती हूँ सो दैट बाकी की चीज़ें खराब ना हो, एंड यहाँ पे एक्चुअली ये बैग टांगने का जगह है, बट मैंने यहाँ पे मेरे हैंड सैनिटाइजर एंड कॉइन पर्स जो है उसको टांग दिया है, एंड दैट्स द बैग, दैट्स माय स्विमिंग बैग, इसके बाद आ रही है मेरी बहन, और उसको थोड़ा कुछ हेल्प चाहिए मुझे लैपटॉप के साथ में, तो वो कर दूँगी मैं, एंड मे बी उसके बाद मैं ब्लॉग एंड भी कर दूँगी, आई एम नॉट श्योर, इस मोमेंट में मैं ब्लॉग एंड नहीं कर रही हूँ, हाय कल वाले शॉपिंग, अगर आपने कल वाला ब्लॉग देखा हो तो आपको पता ही है कहाँ से लिया है मैंने,
ये मुझे बड़े पसंद आए, तब तो मतलब और भी अच्छे लग रहे थे, अभी और मतलब तब तो अच्छे लगे ही थे, अभी और भी अच्छे लग रहे थे। एनीवे चलो अभी कुछ बनाते हैं, मामा आ रहे हैं, बहन आ रही है, कुछ बनाते हैं खाने को। बाय बाय। मैं ऑलमोस्ट सो जाने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे तो व्लॉग भी एंड करना है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। और मैं इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, 12 बज रहे हैं, सोना है कल सुबह, फिर 4 बजे उठना है। बाय बाय।